राम राम जी, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आशा रेसिपी टिप्स। आज हम बनाएंगे पानी पूरी, वो भी बहुत कम पैसों में और झट से अपने घर पे, बहुत ही आसान तरीके से। और चलिए आइए देखते हैं, बनाते हैं। आज मेरा पानी पूरी खाने का बहुत मन था तो मैंने इनसे बोला कि आज पानी का पाउच ले आइए पैकेट मसाले का, मैं घर पर टिक्की बनाऊंगी। लेकिन वो टिक्की भी साथ में ले आई पानी बनाने वाली। अब बहुत ही आसान तरीके से बन जाती हैं, देख सकते हैं। मैं आधा लीटर पानी डाला है मैंने, आप पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। एक पाउच में एक लीटर पानी डाल सकते हैं। ये आधा लीटर पानी में मैंने एक पाउच पूरा डाल दिया था, ये एवरेस्ट का पाउच है, देख सकते हैं। इसमें मैंने बस पानी डाला है और पाउच डाला है। अब इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक डालूंगी और इसमें पुदीने की पत्ती डालूंगी, थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर, और सब तो उसमें पहले से ही है। नींबू डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत खट्टा है ये, एक बार आप बना के ज़रूर देखना। और मैंने पुदीना सुखाया हुआ था वो पत्ती डाल दी है और इसमें छान लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा बुरादा सा रहता है इसलिए छानना ज़रूरी है और अच्छे से साफ पानी बन जाता है। और इसके लिए मैंने बूंदी भी बनाई थी घर पे, ये देखिए मैंने बूंदी बनाई है, वो भी नए तरीके से। ये दो हरी मिर्ची और थोड़ा सा पुदीना हरा वाला पीस के डाल दिया तो इससे कलर आ गया था, बहुत ही अच्छा। वो पीने में पानी और खाने में टिक्की इतनी टेस्टी लग रही थी। और आप झट से 5 मिनट में तैयार कर सकते हो। जो बूंदी भी बन के तैयार है तो मैंने इसमें डाल दिया और फ्रिज में रख दूँगी पानी ठंडा करने के लिए। अब चलिए स्टफिंग बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने आलू 4 से 5 आलू बॉईल कर लिए थे, उसमें मैं अब डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, काला नमक, सादा नमक, जो भी आप डाल सकते हो। मैंने सादा डाला था, 2 से 4 टिक्की फोड़ के डाली थी, देख सकते हो आप टिक्की कितनी सुंदर लग रही है, एकदम क्रिस्पी खस्ता। अब इसमें थोड़ा टिक्की का पानी डालूंगी, इससे स्टफिंग का स्वाद और बढ़ जाता है। अब 2 प्याज बारीक कटी हुई, 1 हरी मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, फिर स्टफिंग तैयार है। फिर हम चलिए टिक्की बना के दिखाएंगे आपको, और बहुत ही बढ़िया लगती हैं। और आप ज़रूर बना के ला के मार्केट से बना के खा के देखिएगा, ये बहुत ही आसान है। और बहुत अगर घर पे कोई छोटा मोटा प्रोग्राम रख रहे हैं तो हम ये चीज़ बना सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से और कम पैसों में, मात्र 30 रुपये में। क्योंकि 20 रुपये का पाउच है टिक्की का और 10 रुपये का उसका पाउच है मसाले का, देख सकते हैं। ये पाउच है, इसमें 60 पीस निकले थे। और ये मैं तो यकीन ही नहीं कर रही थी कि ये टिक्की घर पे बन सकती हैं इसकी। मैं तो घर पे बनाती आटे और सूजी वाली, लेकिन वो लेके आ गए थे तो मैंने चलो देखा बना के, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। तो ये इतनी गजब की फूल रही थी, बिल्कुल बाजार के गोलगप्पे की तरह एकदम बढ़िया क्रिस्पी। और इनको रखने के 2-3 घंटे बाद भी बिल्कुल मुलायम नहीं हुई बारिश के मौसम में, एकदम क्रिस्पी रही, देख सकते हो। एक परात भर के बन गई हैं। और आ जाइए आप लोग भी टिक्की पी लीजिए। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लोग कब बना रहे हो, किस किस को भी पानी पूरी ज़्यादा पसंद है? वैसे तो सभी को पसंद होती हैं, मुझे तो बहुत ही पसंद है। मेरे पूरे परिवार ने खूब अच्छे जी भर के खाई थी, मैंने सबसे ज़्यादा खाई थी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आ जाइए लोग पानी पूरी पी लीजिए, और वीडियो फुल वॉच करना। और वीडियो फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।